भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रिलीज होते ही वायरल हुआ निरहुआ का गाना प्रेम प्याला। नेपाल की मनोरम वादियों में सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ एक चट्टान पर खड़े हैं। पास में पहाड़ी नदी कल कल करती बह रही है और फिर इसी बीच फिल्म की खूबसूरत अदाकारा मीता झुंगना नजर आती हैं, अपने हाथों को लहराते हुए और चांद से मुखड़े पर खूबसूरत छटा बिखेरते हुए। फिर बचता है भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन रोमांटिक गानों में बेशक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ गाना प्रेम प्याला खाली बा भर जाए द अखिया के दरिया में डूब के तर जाए द। प्रेम रस से भरे इस गाने के बोल भोजपुरी गीतकार संतोष पुरी ने लिखे हैं। यह गाना अपने अंदर छुपाए विचारों से हिंदी फिल्मों के गानों की बराबरी करता है। संगीत मधुकर आनंद का है जो भोजपुरी सिनेमा में गानों के वायरल मशीन माने जाते हैं। इनके अधिकतर गाने करोड़ों लोगों द्वारा देखे गए हैं। गाने में संगीत बहुत ही मधुर है और साजों का इस्तेमाल बहुत बारीकी से किया गया है। आपको बता दें कि इस गाने में निरहुआ की आवाज बने हैं अविक दोजन चटर्जी और नीता ढुंगना के लिए आवाज दी है भोजपुरी फिल्मों की सुनिधि चौहान कही जाने वाली प्रियंका सिंह ने। प्रियंका सिंह का नाम भोजपुरी इतिहास के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों का रिकॉर्ड है। वह फिल्मों में अलग अलग जॉनर जैसे रोमांटिक, आइटम नंबर, देशभक्ति, भक्ति, वेस्टर्न फ्यूजन आदि गाने गाने के लिए जानी जाती हैं। प्रियंका सिंह का कहना है कि यह गाना उनके अब तक के फिल्मी करियर का सबसे अलग गाना साबित होगा। ऐसे गाने सुकून देते हैं। यह गाना फिल्म शेर हिंदुस्तान का है। इसका ट्रेलर 4 मार्च को रिलीज किया गया था जिसे बहुत कम समय में ही लगभग 40 लाख लोगों ने देख लिया है। गाने की शूटिंग नेपाल के सुंदर वादियों और पहाड़ों में की गई है। फिल्म के और भी बेहतरीन गाने आने वाले दिनों में रिलीज होने वाले हैं। फिल्म के बारे में आपको बता दें कि फिल्म शेर हिंदुस्तान होली के दिन देश भर में रिलीज होगी। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।